और एनएचएस के मैं पैसे क्यों दे रहा हूँ तुमको? जीरो जीरो, टोटली जीरो। अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, कोई नहीं रखने वाला। इसका मैं 1,10,000 रुपये लेके आया हूँ इंडिया से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुषन, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। आई होप कि सब अच्छे हो गए। तो आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इतने टाइम कहाँ था मैं, बहुत टाइम से मैंने वीडियो डाली नहीं है। लाइक 2 हफ्ते हो गए मेरे को, 15-16 दिन हो गए आई गेस, तो मैंने वीडियो एक भी अपलोड नहीं की है। उससे पहले मैंने 7-8 वीडियोज डाली, उसके बाद क्या ही ब्रेक लगी, मैं एक भी वीडियो नहीं डाल पाया। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि मैं वो क्या हुआ था कि एक्चुअली भाई मेरे को हो गई थी इंजरी, ठीक है, फोर आर्म इंजरी हो गई थी मेरे को। मैं जैसी मेरी बात कंप्लीट होती है मैं उसके बाद एक वीडियो क्लिप लगा दूंगा, आपको पता चल जाएगा मेरे को इंजरी कैसे हुई, ठीक है। तो मैं सारे के सारे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि जैसी मेरे को इंजरी हुई उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है। मैं हॉस्पिटल गया, कैसे मेरा उन्होंने ट्रीटमेंट किया, क्या क्या फैसिलिटीज़ थी यहाँ पर, और क्या क्या हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा पहली बार हॉस्पिटल का यूके में, ठीक है। तो मैं पूरा का पूरा डिटेल बताऊंगा कि यहाँ के हॉस्पिटलाइजेशन कैसी है और उनका ट्रीटमेंट कैसा होता है, पूरा डिटेल में एनएचएस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को देखना और लास्ट तक बने रहना, कुछ भी पार्ट स्किप मत करना, वरना क्या पता आप कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाओ या मिस कर दो, ठीक है। तो मेक श्योर लास्ट तक वीडियो देखना, और करते हैं वीडियो को शुरू। अभी फिलहाल मैं क्लिप ऐड करने वाला हूँ, आप वो देख लो कि मेरे को इंजरी हुई कैसे। तो भाई ये बात है 26 जनवरी की, ठीक है, रिपब्लिक डे वाले दिन की, ठीक है। उस दिन क्या हुआ कि जब मैं अपने पूरी पूरी वीडियो शूट कर रहा था, लाइक पूरे दिन की वीडियो मैंने बना ली थी, पूरी पूरे दिन की वीडियो मैंने शूट कर ली थी ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके बाद मैं जिम का पार्ट शूट कर रहा था कि अपने जो मेरी डेली रूटीन है, ठीक है, जिम के रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा था। तो वो पूरा का पूरा वीडियो मैंने बनाने के बाद जब मैं जिम में शूट कर रहा था ना, तब इंजरी हुई जो आपने मेरी पहले वीडियो देखी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, इंजरी हो गई, ठीक है, मसाज वगैरह की, 1 दिन की 2 दिन की। तब मेरे को लगा कि शायद से थोड़ा बहुत मसल पेन होगा, मतलब था तो ज़्यादा ही, तो मैं सोचा मसाज वगैरह करूँगा, 2-3 दिन करूँगा तो शायद फ़र्क पड़ जाए। क्योंकि हम इंडियन लोग भाई थोड़ा कम ही प्रेफर करते हैं कि हम हॉस्पिटल वगैरह जाना, हम सोचते हैं कि भाई होम रेमेडी से काम चल जाएगा या जो भी है ना, ऐसे ट्राई करते। तो मैंने भी शुरू में एक दो दिन यही किया, ठीक है। मैंने वॉलिनी वगैरह लगाई, मूव लगाई, गर्म पट्टी तो अभी भी लगा के रखी मैंने, ये देख लो, ठीक है। तो यही सब ट्राई किया मैंने शुरुआती के टाइम पे। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मेरे को ना 31 तक मैंने 3-4 दिन ट्राई किया, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बहुत मसाज कर रहा हूँ, इतनी पेन हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, प्रॉपर पूरी इतनी ज़्यादा दर्द, मैं क्या ही बताऊँ आपको, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ 31 की शाम को, ठीक है, करीब 7 बजे के आसपास मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, जो लेसन में हमारे यहाँ पे पास ही है, DMU के तो बहुत पास है, ठीक है। तो मेरा NHS ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है, मैंने करीब 1,100 पाउंड्स दिए हुए हैं इस अपने NHS के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है हमारा UK का, ठीक है। तो मैंने वो कराया हुआ था, तो मैं डायरेक्ट गया हॉस्पिटल में। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है, आपकी कौन सी कंट्री है, आपका रिलीजन कौन सा है, आपका फुल नेम पूछा, फिर मेरा फुल नेम पूछा, मेरा फ़ोन नंबर पूछा, और भी बहुत सारी डिटेल चीज़ें पूछी। तो मेरे से पूछा कि आपको कहाँ इंजरी है ये वो। तो शुरू में तो रिसेप्शनिस्ट वालों ने काफ़ी अच्छा काम किया, नाम वाम पूछा, मतलब इंजरीज वगैरह के बारे में पूछा, और कहीं पूछना था उन्होंने भी बेचारों ने, ठीक है। तो उसके बाद आता है मेन प्रोसेस शुरू, मैं वहाँ पर लाइन में बैठ गया, ठीक है, चेयर्स लगी थी बहुत सारी, मैं बैठ गया वहाँ पे, करीब 30-40 लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे वहाँ पे, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप बैठे रहो यहीं पर। तो जब मैं बैठा था ना वहाँ पे, तो करीब आधे घंटे के बाद ना एक अंकल आते हैं, BP वगैरह चेक करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे BP वगैरह सब ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कोई अलग से प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है आपको इंजरी है ये वाली जो फोरआर्म है, दैट इट, इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला वो तो मुझे भी पता भाई, मेरे को फोरआर्म में ही है, तो फोरआर्म ही लेके आऊँगा ना, बाकी जगह थोड़ी दिखाऊंगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उन्होंने ना मेरे को बोला कि आप माइनर इंजरीज में चला जाओ। मैंने बोला चल ठीक है, माइनर इंजरीज में चला जाता हूँ, क्योंकि फोरआर्म इंजरी इनके लिए माइनर इंजरी, तो भाई मेरे लिए माइनर इंजरी है, क्योंकि ये होती रहती है जिम वगैरह वालों में, उन लोगों को तो होती रहती है, कभी शोल्डर होती है, कभी फोरआर्म हो रही, तो ये नॉर्मल है, होता रहता है, ठीक है। तो मेरे को भी लगा चल ठीक है माइनर इंजरी है, ठीक है, मैं चला गया माइनर इंजरी वाले सेक्शन में, पूरी ऐसे लाइन फॉलो करता, ठीक है, नीचे ग्राउंड फ्लोर में चला गया उनके माइनर इंजरीज में, ठीक है। मैं वहाँ पर बैठा हूँ करीब 8:30 बजे, गेस करो कितना टाइम हो गया होगा कि मैं वहाँ पर वेट कर रहा हूँ, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा ना, 3 से 3.5 घंटे, और मैं भी 4 घंटे, मेरे रात के करीब 2 बज चुके थे, ठीक है, हाँ मेरे 2 बज गए थे रात के, इतना मैंने वेट किया वहाँ पे।
कि अब मेरी अपॉइंटमेंट आएगी, अब मेरी अपॉइंटमेंट आएगी, अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, दिखाऊंगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। मेरे 2 बज गए, 4 घंटे मैं बैठा रहा हूँ लाइन में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मतलब रिसेप्शनिस्ट जो वहाँ पर बैठी हुई थी ना, उससे मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि भाई कितना टाइम लगेगा, मेरे आगे और कितने लोग हैं। जब मैंने रात के 2 बजे पूछा ना कि भाई अभी मेरे आगे और कितने लोग हैं, उसने बोला 8। तो 8 लोगों का मतलब था 6 घंटे, ठीक है। पता नहीं भाई कौन से अपॉइंटमेंट लेते हैं ये, क्या लोग क्या करते हैं ये अपॉइंटमेंट तो ले लेंगे, उसके बाद जब बात आएगी ना चेकअप की, भाई पता ही नहीं है इतने सारे लोग बैठे हैं, बेशक 6 लोग बैठे हैं, भाई कितनी देर तुम ट्रीट कर लोगे माइनर इंजरीज में। माइनर इंजरीज में ये 1 ही घंटा क्या देख रहे हैं लोगों के अंदर, सही बात है कि नहीं। तो मेरे फोरआर्म इंजरी भाई, मैं उधर बैठा हूँ सुबह के 2 बज रहे हैं, मतलब रात के 2 बज रहे हैं, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया मैं भाई कि तो अभी भी 8 लोग बड़े हैं मेरे आगे, 6 लोग बड़े हैं। तो फिर उसने बोला कि अभी टाइम लगेगा, आप सुबह 6 साढ़े 6 बजे आना। मैं भाई 2 बजे तक बैठा रहा, अब मैं 6 बजे फिर रहा हूं। तो मैं भाई घर वापस आ गया, घर नहीं आया सॉरी, उससे पहले मैंने क्या किया, मैं चला गया उनके रिसेप्शन एरिया, जो मेन रिसेप्शन एरिया होता है, मैं वहाँ चला गया, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को क्या किया, उन्होंने बोला कि जो आपको इंजरी है ना, ये यहाँ पे तो अगर हम दिखा देंगे बट इसमें लगेगा टाइम, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो एक काम करो आप हमारे दूसरे ब्रांच में चले जाओ, हम आपको वहाँ की अपॉइंटमेंट दे देते हैं। मेरे पास पेज भी पड़ा उनका, ठीक है। तो ये मेरे को मिली है, मैं एक काम करूँ आपको फोटो दिखा दूंगा, फिलहाल के लिए तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको ऊपर ऊपर से। ये 1 तारीख की है, 1 फरवरी की है, ठीक है। सुबह 10:20 की अपॉइंटमेंट मिली है मेरे को, और भी अर्जेंट केयर सेंटर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया हूँ सुबह 9:30 मेरी क्लास थी, सॉरी 9 बजे मेरी क्लास थी। तो मैंने टीचर को बोल दी कि मैम मेरी अपॉइंटमेंट वगैरह है तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अटेंडेंस लगाओ, चले जाओ। अटेंडेंस लगाई, वैसे मैं चला गया यहाँ पे, करीब 25 मिनट का रास्ता यहाँ से बाय बस गया मैं। तो मैं पहुँच गया वहाँ पे, मैं वहाँ पे भी बैठा रहा अपॉइंटमेंट लेके, ठीक है। उधर ही बैठा हूँ आराम से अपॉइंटमेंट लेके बैठा हूँ, ठीक है। ये पेज लेके गया हूँ मैं उनके पास, बोला कि मैम मेरी अपॉइंटमेंट है, ये मेरा नाम, ये मेरा सरनेम। तो बोलते कोई बात नहीं सर, बैठ दो। कितनी देर बैठा हूँ, 2 घंटा फिर से, ठीक है। लोग कितने थे, सिर्फ 4, ठीक है। तो मैं बैठा हूँ, दो ढाई घंटे के बाद मेरे पास एक मैम आती है, बोलती है कि हाँ भाई क्या हो गया। मैंने बोला हम ये फोरआर्म इंजरी है। तो कहते हैं कि क्या नाम है, मैंने बोला आयुष सिंह वर्मा, पूरा नाम बताया। तो बोलते कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, इस रूम में चला जाओ, यहाँ पे एक मैम बैठे हैं, वो आपको ट्रीट करेंगे। मैं चल ठीक है, मैं चला गया अंदर। तो उन्होंने मेरे से पता क्या पूछा कि आप डोजेज कौन सी ले रहे हो। मैंने बोला भाई कौन सी डोजेज, मेरे को फोरआर्म इंजरी है, मैं इसकी क्या डोज लूँगा, ठीक है। तो बोलते कि आपको डोज लेनी पड़ेगी। मैं कौन सी डोज लेनी मिलेगी, मतलब मैंने पूछा कि कौन सी डोज लेनी पड़ेगी। आगे से पता क्या बोलते कि पैरासीटामोल खाओ, ठीक है। मेरा हो गया दिमाग ख़राब, मैं भाई इंजरी मेरे को यहाँ पे है ना, मेरे को बुखार है ना, मेरे को जुकाम है ना, मेरे को कोई मतलब अंदर से कोई है ही नहीं ऐसा कि ना मेरे को बुखार जुकाम खांसी कुछ भी नहीं है। बुखार मतलब एक A to Z कुछ है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे मेरे को पेन है। और वो पेन किलर भी मेरे को ऐसा नहीं कि पेन किलर खा के मेरे को वो दर्द कम करनी है ना, ये मेरे को पेन है कि मतलब मैं बाजू नहीं सीधी कर पा रहा, ठीक है, वेट नहीं उठा पा रहा थोड़ा भी। मैं उस टाइम ऐसा हो गया था कि मैं अपना बैग जब उठा रहा था ना, तब भी मेरे को दर्द हो रही थी, खिंच पड़ रही थी यहाँ पे इतनी ज़्यादा, बैग नहीं उठाना हो रहा था, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं अपने काम पे भी नहीं जा पाया, मैं 2 दिन छुट्टी मारी, मैं काम पे भी नहीं गया अपने, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब मेरी जो 1 हफ्ते की जो मेरी सैलरी आनी थी वो भी नहीं आई, ठीक है। तो मेरे पैसे तो चलो जो सेविंग वगैरह थी तो वो मैंने रखी थी अपने पास ही, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि पैरासीटामोल के 4 डोज खाओ दिन में, सुबह दोपहर शाम रात। मेरा फिर दिमाग ख़राब हो गया, मैंने उनको बोला कि भाई इसका ट्रीटमेंट अभी चेक कर लो, पैरासीटामोल मैं खा लूँगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं उनके पास बैठा हूँ, उनने पट्टी वगैरह उतारी मेरी, ऐसे चेक कर रहे हैं। तो बोलते हैं शायद से ना आपको मसल इंजरी नहीं है, क्योंकि ना कोई स्वेल है ना कुछ है, आपको बोन में इंजरी है। भाई बोन में कैसी इंजरी होगी, मेरे को प्रॉपर दर्द ही मसल में हो रहा है, बोन में कैसे हो रहा है। अब तो मेरे को मतलब लगा लो 95% ठीक हो चुका हूँ मैं, सिर्फ 10% की कमी है, सॉरी 5% की कमी है, वो भी 2 दिन में ठीक हो जाएगी। अभी बस मैंने खुद इसको ऐसे पहन के रखा है ताकि भाई ऐसे ठंड ना लगे, क्योंकि ठंड की वजह से भी कभी बार ना दर्द शुरू हो जाती है पुरानी, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप पैरासीटामोल खाओ 4 टाइम, और ये आपको जो इंजरी है ना, ये आपको बोन में इंजरी है, ठीक है, बोन में क्रैक्स आ गए हैं आपके, यहाँ जो भी पता नहीं क्या बोला, ऐसे कुछ बोला कि बोन में आपकी इंजरी है, इतना मेरे को याद है, ठीक है। तो फिर मैं भाई मैं डर गया, मैं यार कहीं अभी तो शुक्र है जॉइंट में नहीं थी, अगर जॉइंट में हुआ तो डिसलोकेट करके तो मेरे को फ्रैक्चर ही बता देते, मेरे को तो फोरआर्म इंजरी थी, ठीक है। तो फिर बोलते कि आपको ना एक्सरेज करवाने पड़ेंगे। मैं चल ठीक है, करा दो एक्सरे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कल का भी अपॉइंटमेंट लेके आ गया, अब
अब कोई बात नहीं, मैं एक्सरे करा दो, मैं आया हूँ इसी चीज़ के लिए। तो बोलते कि हमारे पास ना एक्सरे की मशीन ही नहीं है। मेरा फिर दिमाग ख़राब। मैं यार तुमने एक तो इतनी दूर से मेरे को बुलाया, अब तुमने मेरे को ब्रांच से इधर से उधर भेज दिया, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पास एक्सरे की मशीन नहीं है, ठीक है। फिर मेरे को इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम आपको एक और जगह रेफ़र करते हैं। उन्होंने एक और जगह अपॉइंटमेंट दे दी, पता है कहाँ की? DMU की, मेरी ही यूनिवर्सिटी की अपॉइंटमेंट दे दी। बोलते हैं DMU के सर्विस सेंटर जाओ, सर्विस सेंटर मतलब जो इनका सर्जरी सेंटर है, सॉरी, ठीक है। तो मैं वहाँ पे, इन्होंने बोला कि अगले दिन वहाँ पे पहुँच जाना। मैं चल ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ, अब NHS के तो पैसे दिए हैं ना, मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं। तो मैं चला गया अगले दिन फिर से उठ के, मुँह उठा के जैसे जा रहा था, दर्द तो थी तब भी, ठीक है। मैं पहुँच गया DMU के सर्विस सेंटर, ओ सॉरी सर्जरी सेंटर, ठीक है। पहुँचा मैं तो मेरे को पूछते कि आपका नाम क्या है। नाम हम बताया, मेरे पहले से डिटेल चढ़ी हुई थी क्योंकि पुराने वाले हॉस्पिटल से होके आया था, सब डिटेल इनके पास ही थी, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आपको इंजरी क्या है। मैंने बोला फोर आर्म इंजरी है मेरे को। तो बोलते कि एक्सरे कराना पड़ेगा इसका। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, एक्सरे कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मेरे को पेन है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने आगे से पता क्या बोला, हमारे पास एक्सरे मशीन ही नहीं है। मेरा मेरा भाई दिमाग फट के हाथ में आ रहा। मैं एक तो दर्द से जी रहा हूँ, 3-4 दिन से तुम मेरे को अपॉइंटमेंट दे रहे हो, ठीक है, और NHS के मैं पैसे क्यों दे रहा हूँ तुमको, किस बात के दे रहा हूँ? कि ताकि तुम मेरे को एक अपॉइंटमेंट से दूसरी दो, फिर दूसरे से तीसरी अपॉइंटमेंट दो, तीसरे चौथी अपॉइंटमेंट दो। इन्होंने कम से कम मेरे को ना 5 अपॉइंटमेंट्स में खज्जल कर दिया। खज्जल इन द सेंस, खज्जल तो मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं, खज्जल का मतलब हो गया कि भटका दिया मेरे को 4-5 दिन इन्होंने, ऐसे कहीं पर भी भेज दिया बस मेरे को, कि बस भेजना था, भटका दिया मेरे को अपने राह से, ठीक है। एक हॉस्पिटल जा रहा हो वो दूसरे अपॉइंटमेंट दे रहा है, दूसरे वाले के पास जा रहा हो तीसरे के अपॉइंटमेंट दे रहा है, तीसरे वाले के पास जा रहा हो चौथी के अपॉइंटमेंट दे रहा है। ऐसे करते करते 4 अपॉइंटमेंट हो गई मेरी, और रिजल्ट में क्या आया, 0, ठीक है। NHS वालों ने मेरी पता क्या हेल्प की, बस एक अपॉइंटमेंट से इधर की अपॉइंटमेंट देने में, वहाँ से अपॉइंटमेंट उठा के वहाँ पर अपॉइंटमेंट देने में, और वहाँ से आगे की। इसके अलावा इन्होंने मेरा 1 रुपये का ट्रीटमेंट नहीं किया, जिसका मैं 1,10,000 रुपये दे के आया हूँ इंडिया से, जिसका मतलब है 1,100 पाउंड, ठीक है। मेरी 1 रुपये की ट्रीटमेंट नहीं हुई है, ठीक है। मेरा कोई अच्छा इलाज नहीं किया है, सिवाय एक चीज़ के इन्होंने बोली है, वो भी पैरासीटामोल खाओ 4 टाइम। अबे मेरे को इंजरी बाजू में है, ठीक है, ना मेरे को बुखार है, ना मेरे को जुकाम है, ना मेरे को इतनी दर्द है कि मैं मर रहा हूँ, ठीक है। बट है कि मेरा काम नहीं बन रहा भाई, मेरा जॉब करना जाना है, मैं वेयर हाउस में काम करता हूँ, बॉक्सेस उठाने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं, तो भाई काम है, दर्द होती है, इतनी नहीं कि मैं सह नहीं पा रहा, सह पा रहा हूँ, बट बात अगर बढ़ जाए तो क्या फ़ायदा पैरासीटामोल खा के। तो मैं चलो मान ली, मैं दो तीन दिन के लिए मैं दर्द को मैं झेल लूँगा, उसके बाद का क्या, पूरी उम्र पैरासीटामोल खाते रहूँगा क्या? तुम्हारा तो कोई ट्रीटमेंट का कोई 1 रुपये का फ़र्ज नहीं है यार, NHS खोल क्यों रखा तुमने, बंद कर दो। इससे अच्छा तो भाई हमारे इंडिया में हमारे नॉर्मल फार्मासिस्ट होते हैं, छोटी छोटी दुकानों में भाई उधर ही ट्रीटमेंट कर देते हैं, वो 3-4 दिन में बता देते हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है। इससे अच्छा मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल जाऊँगा ना इंडिया में, वो भी फ्री ट्रीटमेंट कर दे। और इनके पास हम इतना इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, 1-1.5-2 लाख रुपए NHS में, क्या फ़ायदा? कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, सच बता रहा हूँ, 0, 0, टोटली 0, कोई फ़ायदा नहीं है इनके पैसे में का। मैंने बहुत बेइज्जती की इनकी, ये जो ये पर्ची है ना, ये जो इनकी अपॉइंटमेंट की पर्ची है, ये पूरा मैप वैप इन्होंने बना के दिए भाई, 0, टोटल 0। अगर ये वीडियो अगर आप फैला सकते हो ना, फैला दो, मुंह पे बोलता हूँ इनके, NHS बेकार, बेकार, 0, कोई फ़ायदा नहीं है NHS का। क्योंकि भाई अगर मान लिया मेरे तो चलो फोर आर्म इंजरी है, किसी को कोई सीरियस इंजरी होगी तब क्या करेंगे, ये पता करेंगे? मैं बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था नहीं मतलब है, ठीक है, वो भी मेरे ही वेयर हाउस में काम करता है। उसके ना जब वो काम कर रहा था तो उसके पैरों में ना कील चुभ गया, कील चुभ गया क्या, इनफैक्ट थोड़ा काफ़ी अंदर ही चला गया उसको, भाई बॉय ब्लीडिंग हुई इस टाइम पे, ठीक है। वहाँ पर नीचे लकड़ी पड़ी थी, पूरी की पूरी लकड़ी खून से भर गई, ठीक है। तो हॉस्पिटल वालों ने, सॉरी उसकी कंपनी वालों ने उनको रेफ़र किया हॉस्पिटल में, यही वाले लेसर वाले, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपॉइंटमेंट उठा के कहीं और डाल दी, ठीक है। वो बेचारा अपने टांग, उसकी टांग स्वेलिंग हो गई, लिटरली स्वेलिंग हुई पड़ी है, ब्लीडिंग हो रही है, पट्टी लगाई है वो भी गिल्ली करके ताकि खून बहे ना ज़्यादा, ठीक है। तो फिर उसको उठा के कहीं और भेज दिया। उन्होंने पता ही किया, बोलते टेटनस का एक इंजेक्शन लगा लो बस। मैं कह रहा हूँ भाई पट्टी तक नहीं करके दी उन्होंने, हम क्यों 1.5 लाख रुपये बर्बाद कर रहे हैं ना इसमें, फ़ायदा तो कोई है नहीं। 1 रुपये तो ज़्यादा बोल दिए, 1 पैसे का भरोसा नहीं मेरे को इनके ऊपर। अब अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, कोई नहीं रखने वाला।
ये जो ये अपॉइंटमेंट जो मैंने फाड़ी है ना किसी काम के लिए, तुम चाहे 100 अपॉइंटमेंट लेके आ जाओ, कितना भी पैसा इनके मुंह पे मार दो, वही नहीं काम करते ये लोग, चोर है, काम चोर लोग हैं, काम नहीं करते ये लोग, बेकार जीरो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इनको। अगला दर्द से रो भी रहा होगा ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रो, मर थोड़ी रहे हो, जब तक मरोगे नहीं ना मरने वाली हालत नहीं आ जाएगी, ये कुछ नहीं करने वाले, आई स्वेयर। मेरी इतनी भड़ास इतना गुस्सा निकला ना, ओ भाई रेनबो ही निकल गया बाहर। क्या टाइमिंग है, मैं तो बेइज्जती कर रहा, रेनबो निकल गया इनका बाहर, रेनबो भी दिखाता हूँ, रुको अभी मोड़ के दिखाता हूँ, वो देखो ये रेनबो कितना मस्त लग रहा, नहीं पूरा ऊपर तक है, तो वहाँ तक है, अरे भाई ये तो पूरा सेमी सर्कल है, नाइस। इतना ज़्यादा मेरे को उन पर गुस्सा है ना भाई, उनको भाई सोचो अगर किसी को ज़्यादा सीरियस इंजरी हो जाएगी क्या करेंगे उनका, हम इतना इतना पैसा लगा रहे हैं भाई, क्यों लगा रहे हैं, अपने सेहत भाई एटलीस्ट सही तो रहे, अगर छोटी मोटी इंजरी आ जाती है, मैंने कहता किसी को आए आए ना, मैं तो कह रहा हूँ, बट अगर आ जाए तो भाई इन लोगों में जाके क्या फ़ायदा, कुछ तो इन्हें करना ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये 1 रुपये का इंटरेस्ट नहीं दिखाते किसी में, अगर किसी को लग लग जाए तो, सच में इससे अच्छा भाई खुद ही कर लो जो कर सकते हो, आप खुद के ही डॉक्टर हो, खुद के ही माँ बाप हो, यहाँ पे खुद के ही दोस्त हो, खुद के ही सब हो, सब आपको अपने खुद से करना है भाई, डॉक्टर तक साथ नहीं देते यहाँ पे, मेरे को इतनी दर्द हुई मेरे भाई उनके सामने बोल रहा हूँ कि भाई कर दो कुछ, मेरे को बहुत पेन हो रही है, 4 घंटे बैठो, 4 घंटे आपके सामने अपॉइंटमेंट फाड़ दी मैंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका, लिटरली ज़ीरो, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर, मैं 1,10,000 अगर लेना चाहूँ ना, काश मेरे को ये वापस कर दे, मैं भाई खुद का ही ट्रीटमेंट खुद करा लूँ, अगर मैं कभी भी कुछ भी बीमार हूँ, मैं मरने वाला भी होऊंगा ना इनके पास नहीं जाऊँगा, सच बता रहा हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं पड़ता यार, कुछ फ़ायदा है ही नहीं इनके पास जाके, कोई काम के लोग नहीं है, काम चोर है यार ये, इंडिया वाले हम बोलते ना इंडिया वाले काम चोर लोग हैं, इंडिया वाले डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे, कसम से इतना गुस्सा आना मेरे को, मैं क्या ही बताऊँ आपको, तो इसलिए मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा डिले हो रही थी, क्योंकि भाई मेरे से अपनी ये जो है ऐसा बाजू है ना मेरी, ये यहाँ तक मतलब ये तो अब तो जा रही है, पहले यहाँ तक जा ही नहीं रही थी, मेरे को ऐसे करके वीडियो बना पा रहा था मैं, एक हाथ सीधी है, अब मैं उसको कितनी देर ही सीधी रख लूँगा, उसमें भी दर्द शुरू हो जाएगी, अभी एक में तो दर्द है ही, दूसरे में शुरू हो जाएगी, तो भाई फिर मैं वीडियो परमानेंट बंद कर दूँगा क्या फ़ायदा, परमानेंट नहीं मतलब ज़्यादा लंबा गैप पड़ जाएगा, उस चक्कर में ऐसे करके तो वीडियो बना नहीं सकता था, इसको पीछे तक तो लेके जाना ही था, अब तो पूरी की पूरी बाजू सीधी होगी मेरी, पूरी सीधी होगी, पता कैसे ना बता, तो मेरे को ना पता कैसे, मेरे को एक लेडी डॉक्टर मिल गई वहाँ पर इंडियन, ठीक है, उसने मेरे को बोला कि भाई क्या हो गया आपको, मैंने बोला मैम मेरे को ऐसे ऐसी इंजरी हो गई है, तो यहाँ पे कोई ट्रीट नहीं कर रहा, 5-4 दिन से मैं घूम रहा हूँ आगे पीछे, मेरे को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा आपकी तरफ से, NHS है ही बेकार, मैं मुँह पे बोल दिया कि मैम NHS है ही बेकार, क्योंकि मेरी किसी ने मदद नहीं की, मैं पैसे लगाने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैम बोलते कि कोई बात नहीं, वो तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या सिचुएशन आप क्या चीज़ फेस कर रहे हो, तो उन्होंने ज़्यादा तो मेरे लिए पता किया, सर 2 गर्म पट्टी दी है मेरे को, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है, लेकिन चल ठीक है भाई 2 गर्म पट्टी सही, ठीक है 2 गर्म पट्टी दिए, वही लगाई है मैंने, वही भाई चल रही है आज तक, वही चला रहा हूँ, ठीक है यही उनमें से एक है, ठीक है 2 नहीं लगाई है, 1 ही लगाई है, ठीक है तो यही 1 गर्म पट्टी लगाई है भाई, इसे खुद ही वॉली नहीं लगा रहा हूँ, खुद ही मसाज कर रहा हूँ, बीजे जो युवराज में मसाज कर रहे हैं, बीजे जो मैं आयुष भैया कोई मसाज करके रख दे रहे हैं, तो मैं पट्टी लगा लेता हूँ, ऐसे फ़र्क पड़ा, अब जाके मैं वीडियो बनाने की हालत में हूँ कि भाई मैं अपने हाथ में भी रख के वीडियो बनाना तो मैं बना सकता हूँ, ठीक है अभी कल एक व्लॉग डालूंगा तो उसमें तो भाई मैं प्रॉपर वीडियो ही बनाऊंगा अपने दोनों हाथों से, तो आप देख लेना कि कितना फ़र्क पड़ा है, और मैं लिटरली अगर आप ये वीडियो वायरल करना चाहो ना तो भाई आप कर सकते हो, ये आप में दम है कि भाई आप ये वीडियो वायरल कर सको, अगर मेरी वीडियो आपको वायरल नहीं भी करनी है ना, बट एटलीस्ट NHS तक ये वाली वीडियो मेरी पहुँचा दो कि भाई आपकी सर्विस जीरो है, प्लीज़ इसको ठीक करो, अगर किसी को भी इंजरी आती है ना तो आपका फ़र्ज़ है उसको ठीक करना, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना कि कैसे लगी, उसको ठीक कैसे किया जाए, है ना, आपको ये काम थोड़ी कि दूसरे को अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट देते रहो, आप कोई वकील थोड़ी हो भाई, वकीलों का काम होता है एक्सटेंड करता रहना चीज़ों को, टाइम को एक्सटेंड, डेट को एक्सटेंड, ईयर को एक्सटेंड कर दिया भाई, एक साल तक केस नहीं चला, इतना नहीं यार डॉक्टर, थोड़ा जल्दी कर लिया करो यार, अगले के भी दर्द समझा करो, इतना भी कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं था, सबको माइनर इंजरीज थी, और 1-1 घंटे वाला क्या भाई, 1-1 घंटे तक क्या चेक कर रहे हो ना आपके पास, भाई एक्सरे की मशीन नहीं है यार इनके पास, क्या ही बोल लूँ मैं, समझ जाओ फिर, अब आप एक्सरे तक की मशीन नहीं है, ठीक है
मेरा इतना दिमाग ख़राब होना, मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो यहीं तक थी वीडियो। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि मेरी वीडियोज़ की जो सीरीज़ थी, वो जो चैलेंज था 10 दिन वाला, वो क्यों नहीं आया। ठीक है मेरे भाई, मैं एक और बताता हूँ। ये बाजू तो, एक तो है कि मेरी बाजू नहीं सीधी हो रही, दूसरी है कि मेरी बाजू मुड़ नहीं रही थी। अब तो ये काफ़ी मुड़ रही है, पहले मैं इससे ज़्यादा मोड़ नहीं पा रहा था। मैं अपने फ़ोन जो पकड़ रहा था, सिर्फ यहाँ से पकड़ पा रहा हूँ, टाइप भी नहीं कर पा रहा था, सिर्फ इतना। ठीक है, ये पीछे आई नहीं रही थी बाजू मेरी, ये रोटेट नहीं हो रही थी, मतलब अब तो पूरा मुड़ रहा है, सीधी हो रही पूरी है। बस यहाँ पर हल्का सा पेन है, जब मैं ऐसे ज़ोर से दबाता हूँ ना, तब दर्द हो रही है, ऐसे दर्द नहीं हो रही मेरे को। ठीक है, तो आपको पता चल ही होगा कि मैं 10 दिन जो चैलेंज था, मैं चाहता नहीं था उसको मतलब कट करना या उसको रोकना, बट मेरे को मजबूरन रोकना पड़ा। ठीक है, मैं आपको वाली वीडियो तो चलो आपने देख ही ली होगी कि मेरे को इंजरी हुई कैसे। ठीक है, तो अब आपको पता चल ही होगा कि भाई इनकी सच्चाई क्या है, इनके हॉस्पिटल की। भाई कुछ सच्चाई है ही नहीं भाई, सब बेकार है यहाँ पे। हॉस्पिटल जीरो, बिल्कुल जीरो, कोई फ़ायदा नहीं है। NHS आके भी अगर आप GP भी इनका रजिस्टर कर लोगे ना, GP मतलब इनका जो वो होता है मेडिकल इंश्योरेंस, जिसके आप पैसे दे के आते हो, है ना, वो भी आप यहाँ के आके, यहाँ पर आके रजिस्टर भी कर लोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है यार। ठीक, तो उन्हें कुछ करना नहीं है, दो गर्म पट्टी उठा के दे देंगे, दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा एक टेटनस का इंजेक्शन लगा देंगे शोल्डर पर, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा ट्रीटमेंट में आपको पता क्या देंगे, दो पैरासीटामोल के पत्ते। कुछ भी बीमारी हो जाएगी ना, मर रहा होगा बंदा, भाई पैरासीटामोल डाल देंगे उसके मुंह में, कहीं बता रहा हूँ। तो भाई ध्यान रखो यार अपना, मैं नहीं चाहता किसी को लगे, मैं चाहते नहीं कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आप भी एक्सपीरियंस करो, करो ही मत भाई, मेरा एक्सपीरियंस से समझो और सीख लो कि क्या गलती नहीं करनी है। और मेरी ये गलती थी, जब मैं जिम में था तो मैंने अच्छे से वार्म अप नहीं किया था अपने रिस्क का, क्योंकि जिम में मैं थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैं चाहता था मैं जिम से घर जल्दी आ जाऊँ। अगर लेट हो जाता हो तो फिर पूरे दिन की नींद ख़राब हो जाती है अगले दिन की, फिर मील और लेट हो जाती है, 4-5 ऐसे बज जाते हैं सुबह के, ये सब करते करते। उस चक्कर में मैंने सोचा कि भाई थोड़ा जल्दी वर्कआउट कर लूँगा, और उस जल्दी के कारण वो जो 15 मिनट थे ना, अगर मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा कर लेता, मैंने करीब 10 से 12 मिनट ही मैंने वार्म अप किया होगा, 10 मिनट और कर लेता ना, तो शायद इंजरी होती ही नहीं। लेकिन चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं इसको बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे को पता चल गया भाई इनकी क्या सच्चाई है, और आपको भी पता चलेगी मेरे एक्सपीरियंस से इनकी सच्चाई है क्या, कि ये एक्चुअल में ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अपने पेशेंट्स का। कोई बेकार, बिल्कुल बेकार ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट तो मेरा किया ही नहीं सर, बताऊँ तो जीरो, कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप चाहो तो इस वीडियो को वायरल कर दो, वायरल नहीं भी करो भाई, मैं तो कह रहा हूँ NHS तक पहुँचा दो, ताकि उनको भाई सच्चाई पता चल जाए कि भाई क्या हो रहा है इनके साथ। NHS क्या है ये? नेशनल हेल्थ सर्विस, नेशनल हेल्थ सर्विस नाम, इतना बड़ा नाम दे दिए, काम जीरो, महंगी दुकान फीका पकवान, ये हिसाब है इनका, समझो। फिर ये जो ये अपॉइंटमेंट है ना इनकी, मैं दो बार फाड़ूंगा, एक बार तो पहले फाड़ी गई, दूसरी ये वाली भी गई, कोई फायदा नहीं है, जीरो। तो यहीं तक थी वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर गिव इट अ लाइक। और भाई मेरे को बिल्कुल मन नहीं था ये फाड़ने का, ये यार ये पेज है, कभी फाड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो इनकी हरकत है ना, इनकी हरकत देख के मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है यार। मैं आज तक कभी पेज नहीं फाड़ा, लेकिन भाई जो इनकी जो हरकत है ना, जो इन्होंने मेरे साथ ट्रीटमेंट किया है भाई, ये पेज भी उन्हीं की देना है, और ये इन्हीं अंग्रेज़ों की देना है जिन्होंने हमको 200 साल खाया है। ठीक है, इन्होंने 200 साल हम पे राज किया है, अब इनका प्राइम मिनिस्टर ही हमारा है। ठीक है, बात अलग है किसी की सुनता है, बट है तो इंडियन ना, पैदाइश जो उसके पेरेंट्स के यहाँ, तो इंडियन ही, चलो समझ गए ना आप। तो करता हूँ वीडियो यहीं पे ख़त्म, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर गिव इट अ लाइक, और अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो भाई, मेरी तरह गलती मत करो, अगर गलती कर भी देते तो भाई रिग्रेट मत करो, सब सही हो जाएगा। ठीक है, और सपने देखे हैं ना, ज़रूर सच होंगे, हिम्मत मत हारना बस। ठीक है, सो करता हूँ वीडियो ख़त्म, और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और याद से भाई NHS तक पहुँचा दो ये वीडियो, या फिर आपके कोई भी चाहने वाले दोस्त हैं जो आ रहे हैं या जो आ चुके हैं, अगर वो GP रजिस्टर कर रहे हैं, GP मतलब NHS यहाँ के अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको पहले से सच्चाई पता हो कि भाई यहाँ पर क्या हालत हो रही है लोगों की। ठीक है, तो करता हूँ वीडियो यहीं पर ख़त्म, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर watching.